Yes, hello, welcome to online English classes today. My name is Rajiv Kumar and Deepak, today हम लोग जो है ग्रामर पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर. आज ग्रामर का पहला दिन है, ठीक है? ठीक है सर। यस, सो डे वन है. आज मैं बोलूंगा, आप लिखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल जो होंगे वो मैं आप यहाँ पे आपको लिखूंगा, आप उसे कॉपी करें, ठीक है? ठीक है सर। तो पहला चीज है, जब ये इंग्लिश ग्रामर है तो ग्रामर जैसे आपका हिंदी में व्याकरण होता है, उसी तरह इंग्लिश में ग्रामर होता है, ठीक है? बराबर हर एक लैंग्वेज का अपना एक ग्रामर है, हर उसका अपना एक जो है रूल है, आप समझ लीजिए. या कोई, जैसे कोई भी चीज बिना रूल के नहीं होता है. अच्छा, इसलिए उनका एक स्टैंडर्ड होता है कि हम कैसे इस यस लैंग्वेज को यूज करें, ठीक है? तो सर, आज यस हम उसी के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले है कि हम जो भाषा होती है, लैंग्वेज को हिंदी में भाषा कहते हैं, ठीक है? तो सर, भाषा भाषा किसे कहते हैं? भाषा उसे कहते हैं हृदय की बातों के अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहते हैं, है ना? यस सर, यस सर, हृदय की बातों के अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहते, ठीक है? यस सर, अब है कि इंग्लिश को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इंग्लिश जो है, इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज. इंग्लिश जो है, यस अंग्रेजी सर, जो है, हर एक भाषा का मिक्सचर, ठीक हाँ है? ये अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, इसमें और भी भाषा का जो है मिश्रण है इसमें, ठीक है? यस सर, इसीलिए इसको हम इंग्लिश को जो है हम इंग्लिश को हम मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है? और ये हर एक भाषा में आप देखेंगे कि आजकल बोलचाल की भाषा में जो है, हर एक भाषा में ये यूज हो रहे हैं. जैसे हम हिंदी भी बोल रहे होते हैं तो बीच बीच में इंग्लिश बोलते हैं, जब कभी इंग्लिश भी बोलते हैं तो वहां पे हम बीच बीच में अगर कोई शब्द नहीं आ रहा होता है तो हम हिंदी के भी शब्द यूज कर लेते हैं, या कोई भी लोकल लैंग्वेज का शब्द यूज कर लेते हैं, है ना? यस सर, यस सर, सो इंग्लिश जो है, इंग्लिश इज द मिक्सचर मिक्सर, मिक्सचर ओके, ऑफ मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज, एवरी लैंग्वेज, ठीक है? ओके, यस सर। सो अब आते हैं कि जो ग्रामर है, ये जो यस सर, आपका ग्रामर है, एक सेकंड, इसको फॉन्ट थोड़ा बड़ा करना, इतना सही रहेगा ना? अब ग्रामर किसे कहते हैं, है ना? जैसे हिंदी में होता है व्याकरण किसे कहते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश में उसको इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं, व्याकरण को. तब ग्रामर किसे कहते हैं? ग्रामर कहते हैं कि ग्रामर इज रूल और लॉ रिटेन और अनरिटेन विच इज डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटेंस एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच. यस ओके, प्लीज, ये जो ग्रामर है, यस सर, ग्रामर इज रूल और लॉ, यस सर, रिटेन रिटेन और अनरिटेन, अनरिटेन विच डिटरमाइंस डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटेंसेस सेंटेंसेस एंड वेरियस वेरियस पार्ट ऑफ स्पीच. यस सर, पार्ट ऑफ स्पीच हम जो है आगे के क्लास में पढ़ेंगे, लेटर अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है.
ठीक है। सो ये ग्रामर जो है, ग्रामर इज ए रूल और लॉ रिटन और अनरिटन विच इज डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटेंसेस एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये ग्रामर है। ग्रामर जो है एक रूल है, रूल और लॉ है, जो कि लिखा हुआ भी है और बिना लिखा हुआ भी है, और वो ये हाँ निर्धारित करता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, सेंटेंस के ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, और यस बहुत सारे पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, अब यस आते हैं कि अब दूसरी चीज है, यदि हम अंग्रेजी को छोटे से छोटे अंशों में तोड़ा जाए, है ना, यदि अंग्रेजी को छोटे से छोटे अंशों में तोड़ा जाए तो जो सबसे छोटा अंश प्राप्त होगा उसे हम अल्फाबेट कहते हैं। ठीक है, अल्फाबेट यस सर हाँ, अल्फाबेट किसी भी लैंग्वेज का अल्फाबेट होता है, सिर्फ चाइनीज का अल्फाबेट नहीं तो उसका ट्यूटोरियल होता है। ठीक है, तो अल्फाबेट हम सर उसे कहते हैं, अंग्रेजी के अल्फाबेट को हम उसे कहते हैं, यदि अंग्रेजी को छोटे से छोटे अंशों में तोड़ा जाए तो जो सबसे छोटा अंश प्राप्त होगा उसे अल्फाबेट कहते हैं। ठीक है, जैसे यस सर जैसे आपका एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं ए, है ना, यस सर बी, जेड, है ना, ईटीसी। ओके, ये जो छोटे यस से सर ए से लेके जेड तक जो है वो अल्फाबेट है और ये अंग्रेजी का सबसे छोटा पार्ट है। ठीक यस है, सर छोटा सबसे छोटा पार्ट है। पार्ट ठीक है, अब है कि यस सर वर्ड्स किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। शब्द उसे यस कहते सर हैं जब एक से अधिक अल्फाबेट आपस में मिलता है और उनसे कोई अर्थ निकलता है तो उसे वर्ड्स कहते यस हैं, है ना। सर जो है अल्फाबेट, जैसे अल्फाबेट हो गया, अल्फाबेट है ना, अल्फाबेट, अल्फाबेट, ये हो गया एग्जाम्पल आपको बता दी, है ना। दूसरा है वर्ड्स, वर्ड्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो वर्ड्स जैसे हो गया आपका, वी एग्जाम्पल दे देते हैं, एग्जाम्पल वी, है ना, वी ईट एंड यस सर रन, ये सब हमारे जो है वर्ड्स है और इसका अर्थ निकलता है ना। यस सर आप नोट नहीं कीजिए क्योंकि ये रिकॉर्डिंग आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, तो आप इसको सुन सुन के भी सीख सकते हैं। ठीक है, ओके सर ओके सर जब भी आपको समय मिले आप YouTube हमारा चैनल है वहां पे भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, ओके सर तो ठीक आप है कहीं भी रास्ते में भी हो तो YouTube से आप सुन के सीख सकते हैं। ओके ओके सर ओके ओके ठीक है, अब दूसरा है कि सेंटेंस किसे कहते हैं, है ना, सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस को, सेंटेंस जो है जब एक यस से सर अधिक, जब एक से अधिक वर्ड्स आपस में मिलता है और उनसे कोई अर्थ निकलता है तो उसे सेंटेंस कहते हैं, है ना। ओके जैसे ये वर्ड्स है, ये वर्ड्स है, वी ईट एंड रन, ये वर्ड्स है। ठीक है, अब यही सब यस चीज सर मिल करके एक सेंटेंस बनाता है तो उसको, उसका कोई अर्थ निकलता है तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे सर एग्जाम्पल में लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया, वी लव कैट्स। ठीक है, हम लोग बिल्ली को प्यार करते हैं, है ना, यस तो ये हो गया। नेक्स्ट है,
अब सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, ठीक है, किसी भी सेंटेंस का कितने भाग होते हैं? तो किसी भी यस सर, सेंटेंस का तीन भाग होता है, किसी भी सेंटेंस के तीन प्रमुख भाग होते हैं, ठीक है, प्रमुख भाग तीन ही होते हैं, कौन कौन सा, ओके ठीक है, कौन कौन सा? पहला होता है, पहला जो है वो, पहला जो है सब्जेक्ट होता है ना, कर्ता, यस सर, हिंदी में उसको कर्ता बोलते हैं, करता करता सब्जेक्ट होता है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है वर्ब, इंग्लिश में वर्ब, ठीक है, यस इंग्लिश सर, में वर्ब। और तीसरा जो है वो होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो हिंदी में इसको, हिंदी में सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? कर्ता, करता कर्ता, ठीक है, या हिंदी अल्फाबेट में नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे ही ऐसे ही टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, समझ लीजिए बस। ठीक है, और ये ठीक वर्ब को बोलते हैं क्रिया, क्रिया, है, क्रिया, ठीक ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट जो है वो उसको हिंदी में बोलते हैं कर्म, 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 ठीक है, कर्ता, क्रिया, कर्म। बट ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। बट हिंदी में ऑब्जेक्ट क्या होता होता है? है, पहले कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, तब जाके क्रिया होता है, ठीक है। क्रिया होता है। हाँ, तो अब आते हैं दूसरा चीज पे, इसी पे सर इसको आगे बढ़ते हैं। अब है कि सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसको ठीक मैं है सर, आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ किसे कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट जो है, हम जिसकी चर्चा करते हैं, हम जिसकी चर्चा करते हैं, या जो हाँ कार्य का करने वाला होता है, उसे सब्जेक्ट कहा हाँ जाता ओके है। हम जिसकी चर्चा करते हैं या जो कार्य का करने वाला होता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। यस फॉर सर, एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल जो है, जैसे आई एम इंडियन, इंडियन, ठीक है, मैं इंडिया, भारतीय हूँ, इसमें जो है मैं जो है सब्जेक्ट हो गया, एम जो है वर्ब सब्जेक्ट हो हो गया, गया, इंडियन जो है वो ऑब्जेक्ट वर्ब हो गया, क्रिया ठीक है। हो। तो ओके ओके सब्जेक्ट ये है, इसको हमको हाईलाइट कर देना है, ये ओके आ ओके गया, ठीक है। दूसरा है, आप इसी को दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे इंडिया यस इज सर, द बेस्ट, इंडिया इंडिया इज इज द द बेस्ट, बेस्ट। बेस्ट, ठीक है। इसमें इंडिया जो है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया, ठीक ठीक है। अब है। आते हैं वर्ब पे, ठीक है, वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब, वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब कहते हैं जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का पता चले, उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब किसे भर कहते कहते हैं, हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के ओके। होने या करने का पता चले, उसे वर्ब कहते हैं, ठीक है। हाँ, हाँ, भर कहते तो इसका फॉर एग्जाम्पल इसको हम कैसे लिखेंगे, ये एक एग्जाम्पल्स में आपको बताता हूं। एग्जाम्पल यहाँ आ रहा है, सो एग्जाम्पल मैं आपको दे जाऊंगा यहाँ पे। इसमें सेम है, आई लव इंडिया, इंडिया इज द बेस्ट, ठीक है। तो आई लव इंडिया, अगेन इंडिया, और इंडिया इज द बेस्ट, ओके ओके। तो इसमें जो है ये लव जो है, इसमें आई लव इंडिया में लव जो है ये आपका वर्ब हो गया, और इसमें इज हो गया वर्ब, ठीक है, बार इज हो गया वर्ब, ठीक है। अब आते हैं ऑब्जेक्ट पे, इसी में ऑब्जेक्ट फिर बताएंगे।
नेक्स्ट है सी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जो किसी के कार्य से प्रभावित होता है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जो किसी के कार्य से प्रभावित होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल में लेते हैं अभी, द टीचर लव्स मी, द टीचर लव्स लव्स मी। मी ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, वी लर्न इंग्लिश, लर्न लर्न इंग्लिश इंग्लिश, इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें जो मी है, मी, ठीक है, मी सर, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गए। ओके। ओके सो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। पहला टॉपिक है, ये तो हो गया आपको कि अंग्रेजी में जो है ग्रामर किसे कहते हैं, फिर ग्रामर को डिफाइन कर दिया आपको, फिर ग्रामर में आता है कि उसका जो है प्रमुख भाग क्या, सेंटेंस का ग्रामर में क्या क्या आते हैं, आपको अल्फाबेट आते हैं, वर्ड्स आते हैं, सेंटेंस आते हैं, है ना। तो ये आपका सर जो है इंग्लिश में जो ग्रामर है, ग्रामर में आपका ये सब जो रूल है और लॉ है, जो कि लिखा हुआ भी और बिना लिखा हुआ भी है, वो डिटरमाइन, वो निर्धारित करता है किसी भी सेंटेंस के ऑर्गेनाइजेशन का और वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच का। उसमें पहला आता है अल्फाबेट, ठीक है, उसके बाद आता है वर्ड्स, उसके बाद आता है सेंटेंस। ओके, फिर आता है सेंटेंस में, सेंटेंस भी तीन, जो सेंटेंस जो तीन चीज से मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब हम जो है ऑब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट को भी डिफाइन किए कि सब्जेक्ट इसमें कौन, सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होता है, फिर वर्ब कौन होता है, फिर ऑब्जेक्ट कौन होता है। ठीक है, ठीक यस सर है, अब आते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक है नाउन। ये बहुत बड़ा टॉपिक है किसी भी इसमें लैंग्वेज में, नाउन। ठीक है, नाउ नाउन ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत प्रकार के नाउन होते हैं, आगे पढ़े। ठीक है, नाउन है, ठीक है, ये जो नाउन है, ये नाउन किसे कहते हैं। ठीक है, नाउन जो है एक लैटिन शब्द है, नाउन एक लैटिन शब्द है, लैटिन मतलब विदेशी, रोमन शब्द है। ठीक है, लैटिन अमेरिका में आप सुने होंगे तो वो है। ठीक है, तो नाउन है एक लैटिन शब्द है जिसका अंग्रेजी है नेम, ठीक है, नेम, और हिंदी है नाम। ठीक है, तो अर्थात ये हुआ कि जो भी नाम होगा वो नाउन होगा, जो भी नाम होगा वो नाउन होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल में आपका बल्ब, बल्ब है ना, सर काव, फादर, लीडर, इटिस। ओके, तो ये हो गया नाउन का डिफिनेशन, जो भी नाम होगा वो नाउन होगा, समझ गए। ये सर अब है कि जाति के दृष्टि से नाउन भी बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब है कि नाउन को हाँ जाति की दृष्टि से
नाउन को कितने कितने भाग होते हैं? जाति के दृष्टिकोण से नाउन के 5 भाग होते हैं, ठीक है। जाति के दृष्टिकोण से नाउन को 5 भाग में बांटा जाता है, ठीक है। तो कौन कौन सा भाग है? पहला है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है। दूसरा है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। तीसरा है मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन। चौथा है अबस्ट्रैक्ट नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, पहला प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन जो है ये एक आपका नाम में से वैसे नाम जो किसी को विशिष्ट रूप से औरों से अलग करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। नाम तो बहुत सारे होते हैं ना, तो उसमें उसमें प्रॉपर नाउन, प्रॉपर क्या होता है? प्रॉपर तो प्रॉपर ये है कि नाम में से वैसे नाम जो किसी को विशिष्ट रूप से औरों से अलग करने के लिए दिया जाता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। सर फॉर एग्जाम्पल में ले लीजिए, आपका नाम दीपक, ये आपको औरों से अलग करता है, ठीक है। बैंगलोर, ठीक है। ये जो नाम है ये और शहर से इसको अलग करता है कि ये शहर का नाम बैंगलोर, राइट, ETC, ठीक है। समझ गए। हाँ सर। अब इसके कुछ नियम है, प्रॉपर नाउन के भी कुछ नियम है। नियम क्या है? पहला नियम है कि ये जो है प्रॉपर नाउन प्रायः सिंगुलर रहेगा। सिंगलर टू सिंगुलर, प्लूरल समझते हैं आप? हाँ सर। सिंगलर किसको बोलते हैं? हेलो, हेलो, ये सर हाँ, सिंगुलर किसे बोलते हैं? सिंगुलर जो सिंगल सेंटेंस आता है ना सर। नहीं, सिंगल हुआ जो बहुसंख्यक नहीं होते हैं, मतलब एक ही होते हैं, उसको सिंगुलर बोलते हाँ हाँ वो एक ही हैं, संख्या। ठीक है। और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट अक्षर जो है वो कैपिटल होगा या रहेगा, ठीक है। प्रॉपर यस सर। नाउन का जो फर्स्ट अक्षर है वो कैपिटल रहेगा या होगा। जैसे आपको एग्जांपल में देख लीजिए कि ये पहला अक्षर है कैपिटल में है, ये भी कैपिटल में है ना, यस सर। हाँ कैपिटल मतलब बड़ी में, बड़ी लेटर, ठीक है। हाँ बड़ी लेटर। हाँ हाँ, और दूसरा तीसरा इसका नियम है कि इसके पहले प्रायः आर्टिकल से बचा जाए, वो आर्टिकल हम आप पढ़ाएंगे लेटर आगे आगे के चैप्टर में। तो इसमें क्या है कि इसके पहले प्रायः आर्टिकल से बचा जाए। आर्टिकल क्या है? हाँ ए एन करके है और डी है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये सब चीज इसमें प्रॉपर नाउन के साथ नहीं आए, ये बचा आ सकता है बट प्रायः ये बचा है, ठीक है। अब देखते हैं हाँ इसका फॉर एग्जाम्पल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर नाउन का, इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट,
बेस्ट, ठीक है। इसमें जो इंडिया है कैपिटल में आई है, और ये प्रॉपर और ये नाम है किसका, हमारे कंट्री का नाम, हाँ ठीक है, हमारे कंट्री का नाम है और ये प्रॉपर नाम है, हाँ ठीक है। हाँ अब नेक्स्ट है कॉमन नाम, हाँ नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉमन नाम, दूसरा है कॉमन नाम, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, है ना। कॉमन नाउन हो गया आपका, कॉमन नाउन हो गया आपका, वैसे नाम जिसे लेने से उस प्रकार के सभी का बोध हो, वैसे नाम जो सबके नाम हो, एक प्रकार के समस्त जाति का नाम हो, उसको वो कॉमन नाउन कहलाता है। ओके सर। फिर से सुनिए, वैसे नाम हाँ जिसे हाँ लेने से उस प्रकार के सभी का बोध हो, वैसे नाम जो सबके नाम हो, एक प्रकार से समस्त जाति का नाम हो, वो कॉमन नाउन कहलाता है, ठीक है। हाँ फॉर एग्जाम्पल, आपको जो फॉर एग्जाम्पल में ले लेते हैं बुआ, ठीक है, बुआ बोलने से समस्त बुआ जाति का जो है नाम आ जाता है ना। हाँ सर जैसे आप दीपक है, रमेश है, राजीव है ना, संजय है, तो ये अलग अलग नहीं बोल के एक बोल दिया लड़का बुआ है, तो ये हाँ सारे बुआ का हो गया कि इसको नाम बुआ आज बोलते हैं, ठीक है। अब हाँ आता है सारे नदी का अलग अलग नाम होता है ना, लेकिन अगर हम नदी बोलेंगे तो सभी नदी को लेके बोल सकते हैं कि ये भी नदी है, वो भी नदी है ना, गंगा भी हाँ नदी सर है, कावेरी भी नदी है, कृष्णा भी नदी है, यमुना भी नदी है ना, तो एक हाँ कॉमन हो गया नदी है, ठीक हाँ है। अब जो है एक विलेज हो गया, ऐसे विलेज का तो बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन हाँ किसी खास मोहल्ला को या उसको बोलने के लिए क्या बोलते हैं, विलेज, है ना। विलेज तो हाँ, उसका एक नाम दिया जाता है, जैसे कोई शहर है, जैसे बेंगलोर को शहर बोलते हैं, चेन्नई को शहर बोलते हैं, उसी तरह किसी किसी गांव में, किसी खास जगह में, किसी खास टाइप के घर और लोग के रहन सहन को वहां को विलेज बोलते हैं, है ना। हाँ सर अब इसके भी कुछ नियम है, इसके भी कुछ नियम है। पहला नियम है कॉमन नाउन हमारे समक्ष सिंगुलर रूप में भी और प्लुरल रूप में भी आ सकता है, ठीक है। ओके जब यह सिंगुलर रहेगा अपने पहले द लेगा लेगा और रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दी गर्ल, दी गर्ल, ओके। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा नियम है, जब यह प्लुरल रहेगा अपने पहले आर्टिकल से परहेज करेगा, ठीक है। जब यह प्लुरल रहेगा अपने पहले आर्टिकल से परहेज करेगा, मतलब आर्टिकल नहीं लेगा, ठीक है। फॉर हाँ हाँ एग्जाम्पल देखते हैं, बॉयज आर हैप्पी, बॉयज आर एपे हैप्पी, ठीक है, इसमें कहीं भी आर्टिकल नहीं लगा, ठीक है, ओके। इसके अभी हो गए, अब आते हैं तीसरा पे, मटेरियल नाउन। तीसरा है मटेरियल नाउन,
मटेरियल ना नाउन। मेटेरियल नाउन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वैसे नाम जिनसे ऐसे वस्तु का बोध हो जिन्हें नापा या तोला जा सके, जिन्हें अलग अलग अच्छा करके गिनना मुश्किल हो तथा जिनसे किसी अन्य वस्तु का निर्माण होता, उसे मैटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, हाँ सर, फिर से सुनिए। वैसे नाम हाँ बोलिए। जिनसे ऐसी वस्तु का बोध हो जिन्हें नापा या तौला जा सके, जिन्हें अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो तथा जिनसे किसी अन्य वस्तु का निर्माण होता हो, उसे मैटेरियल नाउन कहते हैं। ओके फॉर एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं मिल्क, ठीक मिल्क, है, ओके एक राइस एंड वाटर, वाटर, इसे हम अलग अलग करके नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, इनसे हाँ हम अलग अलग चीजें बना सकते हैं, है ना, हाँ इसको हाँ हम तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। हाँ ठीक सर, है, अब इसके भी कुछ नियम हैं, अपने अपने नियम हैं। पहला नियम है, यह प्रायः सिंगुलर होता है। ठीक है, हाँ सर, यह प्रायः सिंगुलर होता है। दूसरा नियम है, इसके पहले प्रायः आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है, हाँ सर, और इसका तीसरा एक नियम है कि ड्रैग्स होता है, ड्रैग्स DREGS, ड्रैग्स होता है, ड्रैग्स मेटेरियल नाउन होने के बावजूद प्लुरल है, प्लुरल वर्ब लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ड्रैग्स ड्रैग्स आर स्प्रेडिंग स्प्रेडिंग स्प्रेडिंग। ओके, अब आते हैं चौथे पे। चौथा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये इसको ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि वैसे नाम जिन्हें देखा नहीं जा सके, जिन्हें देखा नहीं जा सके, हाँ, देखा, जिन्हें देखा नहीं जा सके और जिन्हें छुआ ना जा सके, बल्कि जिनका केवल अनुभव होता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल में आपको लव होता है, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, डेथ मृत्यु है ना, हाँ फ्रेंडशिप हाँ हाँ फ्रेंडशिप, ठीक है, तो इसे हम नहीं देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, है ना, इसका बस अनुभव कर सकते हैं। हाँ ठीक है, इसके भी कुछ नियम हैं। ये प्रायः ये सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। इसका दूसरा नियम हाँ है, इनके पहले प्रायः आर्टिकल नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, लव इज ब्लाइंड, होता प्यार अंधा होता है। हाँ है ना, ये हो गया। बात है पांचवा पे, पांचवा नाउन जो है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन होता है वैसे नाम जिनसे भीड़ का, समूह का, संगठन का पता चले, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। हाँ फॉर एग्जाम्पल, कलेक्टिव नाउन वैसे नाउन जिनसे भीड़ का,
समूह का, संगठन का पता चले उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास, क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, सर। राइट। पीपल आदमी, बहुत सारे आदमी हाँ एक जी, जगह होते हैं उसको पीपल बोलते हैं। उसके बाद है हाँ फर्नीचर, सॉरी फर्नीचर। फर्नीचर, बहुत सारे फर्नीचर मिलके कोई टेबल या बेड बनता है, राइट। यस सर, यस। तो इट इज ये है। अब इस कलेक्टिव नाउन का भी तीन प्रकार होता है, ठीक है। कलेक्टिव हाँ नाउन जो है वो स्वयं एक नाउन का प्रकार है जो तीन प्रकार के होते हैं। पहला कौन, पहला हाँ होता है, पहला आपका है जनरल नाउन, जनरलाइजिंग। हाँ जनरलाइजिंग दूसरा है ग्रुप, ग्रह तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव। का। डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो इसको जो है आगे के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ग्रामर। अब ठीक है जो सर। है, हाँ, अब जो है हम लोग थोड़ी स्पोकन का करते हैं, ठीक है। ओके ठीक है सर। तो आप जो है इसे रिकनेक्ट कर लीजिए दोबारा से, फिर हम लोग स्पोकन का पढ़ते हैं दो चैप्टर, ठीक है। आगे के ओके क्लास में ग्रामर का यहाँ से आगे स्टार्ट शुरू करेंगे, ठीक है, डे टू में। ठीक है सो अभी फिर जो है अभी रिकनेक्ट करके फिर से आप स्पोकन स्टार्ट, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ओके दिस क्लास, ग्रामर क्लास, ओके। हम लोग जो है आगे के क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, आप फिर से ओके रिज्वाइन कीजिए तब ओके स्पोकन, ठीक है। ठीक है सर। ठीक, थैंक यू सर। धन्यवाद।